देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मालूम है कि कोरोना जो है देश के साथ साथ झारखंड को बड़ी बुरी तरह से चपेट में ले लिया है। झारखंड की स्थिति बद से बदतर हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। ऐसी स्थिति में मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि आपने तो देश को 500 सिलेंडर कंपनी अपनी देने की घोषणा किया है और झारखंड को एक भी नहीं दिया। आपने मना कर दिया कि झारखंड को नहीं देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ऐसा भेदभाव क्यों? झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जनता ने क्या किया है? आज ये समय राजनीति करने का नहीं है। आज ये समय एक होकर इस कोरोना मुहिम को खदेड़ने में हमें एक होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा आगे आइए, झारखंड पर विशेष ध्यान दीजिए। झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है तो क्या झारखंड का आप सपोर्ट नहीं करेंगे? आप देश के प्रधानमंत्री, आप मालिक हैं। आप उसके बाद भी अगर हमारे मुख्यमंत्री जी आपसे मांग रहे हैं, वो अपने पॉकेट के लिए तो नहीं मांग रहे हैं, जनता के लिए मांग रहे हैं, जनता की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, तो आपने सीधा मना कर दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, आपने अभी हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में आपने कई रैलियां किया, अरब रुपया आपने रैली में बहा दिए, और थोड़ा सा वही पैसा, आधा ही पैसा अगर आप मेरे झारखंड को दे देते, हमारे यहाँ के लोगों की जान बच जाती। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि झारखंड में विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ जो इमरजेंसी जो मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, इसको पहुंचाने का काम कीजिए। यही मेरा आपको डॉक्टर सर आपसे मांग करता है। मेरी बातों को प्रधानमंत्री महोदय, अगर आप तक पहुंचती है तो अन्यथा ना लें। एक गुजारिश है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमें विश्वास है आप मेरी बातों को मानेंगे और झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार आप नहीं करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आप चलेंगे और लोगों को जान बचाने में आप आगे आएंगे। बहुत बहुत